भागा हुआ बलात्कारी गुरमीत सिंह उर्फ मुखे हुआ गिरफ्तार। पुलिस की पूछताछ पर गुरमीत उर्फ मुखे का हुआ बुरा हाल। जमशेदपुर के कदमा निवासी महिला के साथ दुष्कर्म और अप्राकृतिक यौनाचार करने के आरोपी पूर्व सीजीपीसी प्रधान गुरमुख सिंह मुखे को पुलिस ने शुक्रवार दोपहर मसी अस्पताल के बैड नंबर 7 से उस वक्त गिरफ्तार किया जब वह अपना इलाज कराने के लिए अस्पताल में भर्ती हुआ था। मुखे की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कागजी प्रक्रिया पूरी करते हुए उसे जेल भेजने की तैयारी कर रही है। पुलिस ने मुखे का मेडिकल करवाकर उसे कोर्ट में प्रस्तुत किया। इलाज करवाने के लिए गुरुवार को ही एडमिट हुआ था मुखे। कदमा थाना परिसर में रामनवमी की तैयारी को लेकर बैठक चल रही थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि मुखे मसी अस्पताल में भर्ती है। बिना किसी देर के पुलिस मसी अस्पताल के लिए रवाना हुई और मुखे के अस्पताल के मेल वार्ड से बेड नंबर 7 से गिरफ्तार कर लिया। मुखे की गिरफ्तारी नहीं होने से पुलिस कभी भी उसके घर की कुर्की कर सकती थी। 5 नवंबर को की थी शिकायत। 5 नवंबर 2022 को जमशेदपुर के कदमा उलियान निवासी एक महिला ने सीजीपीसी प्रधान गुरमुख सिंह पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। महिला ने पुलिस को बताया था कि वह 2 बच्चों की मां है और उसके पति विदेश में रहते हैं। महिला पारिवारिक विवाद सुलझाने के लिए बीते दिनों सीजीपीसी कार्यालय गई थी। महिला गुरमुख से मिली जिसके बाद मुखे ने समझौता कराने की बात कही। 3 नवंबर की दोपहर 1:30 बजे मुखे उनके कदमा स्थित आवास आया था। वहां उसके साथ छेड़खानी करते हुए पिस्टल की नोक पर दुष्कर्म किया। घटना के वक्त छोटा बेटा घर पर ही था। महिला के पास घटना का पूरा वीडियो भी है जिसे उसने पुलिस के समक्ष प्रस्तुत किया था। थाना कांड संख्या 183/22 नवंबर में केस हुआ था। एक महिला आवेदन पर बलात्कार एवं अपराधिक रूप करना चाहते हुआ सकते हुए महिला के आवेदन सबसे ये अपराध है। सूचना मिली कि मेडिकल जांच के पश्चात माननीय न्यायालय में गिरफ्तारी कहाँ से भी है सर? किन के नाम पे एडमिट थे सर? ये तो उसी नाम से एडमिट थे।